जी हजरत, आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज, नाम है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट असम्पशंस। इससे पहले कि मैं लॉजिकली समझाऊं कि असम्पशंस क्या होते हैं और उसमें कितनी सारी बातें हैं, जरा पहले मैं ये बच्चों को हेल्प करूंगा ये टॉपिक आपको किन किन एरियाज में हेल्प करेगा और ये बेसिकली किस स्टैंडर्ड से इसका ताल्लुक है। लॉजिकली जो असम्पशंस का कॉन्सेप्ट है ये दो आयजा में कवर होता है, एक आयजा 500 है और एक है जनाब आयजा 315। और वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होगा, जहां इसका मोस्ट आपको बेनिफिट नजर आएगा, एक जब हम पढ़ते हैं आयजा 500, एक जब हम पढ़ते हैं ऑडिट रिस्क और एक जब हम स्टार्ट करने जाते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो जब हम ये एरियाज कवर कर रहे होंगे तो हमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असम्पशंस। इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, लेट्स गो बैक और हम आयजा 500 में दोबारा चलते हैं, ठीक है। और अगर मैं 500 का डायग्राम दोबारा बनाऊं तो मेरे बच्चों को याद आएगा ऑडिट एविडेंस हासिल करने के दो मेथड्स। जी हां, ऑडिट एविडेंस हासिल करने के दो मेथड, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और जनाब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इन दोनों को करने के तरीके कॉमन, कायरो। इन दोनों को करने के तरीके कॉमन, कायरो। याद आ रहा है, ये पढ़ा था हमने। और जब आयजा 500 हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था ये डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये डायग्राम आज कंप्लीट कर रहा हूं। अब जरा मेरी बात सुनेंगे बहुत गौर से। सब्सटेंटिव के अंदर दो चीजें होती हैं, एपी और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एपी और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये बात हमने ऑलरेडी पहले 500 में कवर कर ली है, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूं वो सुनेंगे आप। जब एक ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहा होता है वाया कायरो, जिसमें कितनी बातें थी याद करें, 8 बातें थी, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, इंक्वायरी, री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन, 8 बातें हैं। जब एक ऑडिटर ये 8 प्रोसीजर कर रहा होता है तो कुछ वेरीफाई हो रहा होता है, वो जो कुछ वेरीफाई हो रहा होता है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। द वर्ड असर्शन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड असर्ट। असर्ट करना, कहना, बयान करना, इकरार करना, बोलना, मुख्तलिफ इसके नाम है, मुख्तलिफ इसके मायने हैं। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। सर साजिद ने कहा कि पिछली बार जो लास्ट अटेम्प्ट में F8 का रिजल्ट आया वो 38% है। मैंने क्लास में कहा कि जी लास्ट अटेम्प्ट का पर्चा बहुत मुश्किल था और इस बार उम्मीद है कि पर्चा कदरे बेहतर आएगा, आसान आएगा और पासिंग रेशियो बढ़ जाएगा। लोगों ने डाल दिया फेसबुक के ऊपर कि टुडे सर साजिद असर्टेड इन द क्लास। हमारा आईकेप का जो रिजल्ट है लास्ट अटेम्प्ट का वो 55% आया है और पेपर मुश्किल था। तो मैंने आखिरी क्लास में कहा कि यार इस बार रिजल्ट अब 55% नहीं आएगा, अब कम आएगा। और लास्ट अटेम्प्ट का पर्चा काफी मुश्किल था, अब पर्चा थोड़ा सा रीजनेबल आएगा लेकिन रिजल्ट कम आएगा। ये बातें लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट कर दी और कहा कि टुडे सर साजिद असर्टेड इन द क्लास। इसका मतलब है सर साजिद ने असर्ट किया, कहा, इकरार किया, बयान किया, ठीक है। एक मायने तो उसके ये हैं। अब इसके दूसरे मायने देखते हैं जरा। जितने हैंडआउट्स मैंने आपको अब तक दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं और जितने अपलोड हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, TSB के जरिए, हर हैंडआउट के नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड बाय साहिद कबाड़ या ब्रैकेट ACA जो मेरी क्वालिफिकेशन है। आप इमेजिन करें कि मैं जब भी कोई लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू करता हूं, अगर मैं शुरू में 2 मिनट की भाषणबाजी की तकरीर करूं, देखें जी मेरा नाम साहिद कपाड़िया है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने ACA किया हुआ है और मेरा 19 साल का तजर्बा है और मैं EY में काम कर चुका हूं, ब्ला 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 ब्ला। आप बोलेंगे भाई हर बार दिमाग की दही क्यों करते हो, हर बार ये रिपीट क्यों करते हो। हमें पता है तुम्हारे हैंडआउट के नीचे लिखा हुआ, हमको पता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। तुम्हें ये बार बार जुमला रिपीट करने की और बार बार हमें स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सर साजिद अपना हैंडआउट दे रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड बाय इसके, इसका मतलब है कि हैंडआउट अपने आप ये कह रहा है कि भाई ये जेन्युइन है, प्रॉपर तहकीक हुई हुई है, इसमें कोई भंड नहीं है, ये विद एक्सपीरियंस है, आई एम क्वालिफाइड अकाउंटेंट और इसमें कोई मस्ता नहीं है। ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको हैंडआउट दूंगा तो मेरा हैंडआउट अपने आप ये असर्ट कर रहा है, मेरे हैंडआउट में ये बातें बिल्ट इन है कि मैं क्वालिफाइड हूं और ये हैंडआउट बिल्कुल सही है और उसमें मेरी सारी रिसर्च और मेरा सारा तजर्बा शामिल है। आई डोंट नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन कि मैं ये और मैं वो और मैं ये और मैं वो। क्यों? क्योंकि जब मेरे कागज पे मेरा नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि माय हैंडआउट स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ।